जानवी की हत्या। जब हालात ने दोनों प्रेमियों को मिलने नहीं दिया तब राहुल ने अपनी प्रेमिका को एक बिल्डिंग से नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी। आतंकवाद से निपटने के लिए देश की सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसे कि आपने देखा इस विषय पर सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। दिन दहाड़े हुआ मौत का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल शाम हुए बॉम्ब ब्लास्ट। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मशहूर क्रिकेटर अजहर पठान। अजहर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिंदूर छूटे, बेटे खोए और कई हुए अनाथ, आतंकवाद ने एक बार फिर बनाया बेकसूर लोगों को अपना शहर। और बिजनेस वर्ल्ड में दिन ब दिन बढ़ रही है दुश्मनी दोनों भाइयों की। यमराज बने मेहमान ठीक कल शाम 7 बजे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके में हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट। फिल्म इंडस्ट्री में फैला हुआ है अंडरवर्ल्ड का जाल। फिल्म कब रिलीज होगी, दिवाली पर या ईद पर, ये तय करता है विदेश में बैठा डॉन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फैला रहा है मौत का जाल। एक पल में हस्ती खिलती जिंदगी बन गई अंधेरी मौत। सास बहू के शो में सासों ने जीती बाजी, बहुओं की जोड़ी हार। ब्रेकिंग न्यूज में देखिए आतंकवाद पर हमारा विशेष राम वर्सेस अल्लाह। क्या आत्माएं सचमुच बोलती हैं? आतंकवाद का चेहरा बड़ा ही भयानक। चेहरे को दिन भर खिला रखने के लिए इस्तेमाल। क्या कलयुग में होगा कृष्ण भगवान का फिर से अवतार? आतंकी अवतार ने कलयुग को निकला। प्यार में डूबे राहुल ने की अपनी प्रेमिका जाह्नवी की हत्या। क्या काला जादू सचमुच मुमकिन है? इस बार 2020 लीग की क्या प्रतिक्रिया होगी? आतंक के साए में मौत का तमाचा। नमस्कार। तिरालीस मौत, 55 घायल, 19 गंभीर। देश में बॉम्ब ब्लास्ट होना इतनी आम बात हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज तो क्या, अब तो ये न्यूज कहलाने के लायक भी नहीं रह गई। एक बार फिर देश के हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सभी उंगलियां उठा रहे हैं देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के ऊपर। एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो है सिर्फ नफरत। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे और खुद से भी। समीर खान फिल्म सुपरस्टार के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी फिल्मों में अक्सर हिंदू किरदार निभाते हैं। उनके करोड़ों फैंस से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको जानकारी नहीं है कि समीर किस धर्म के हैं? अगर हम इस सोच पर यकीन करें कि इन दोनों कौमों में सिर्फ मतभेद और
नफरत का रिश्ता हो सकता है, तो उसी यकीन के अनुसार समीर खान को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुओं में लोकप्रिय हैं, और ऐसे कई नाम हैं जिन्हें मुसलमान सराहते हैं। कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोगों की कट्टरपंथी सोच का नाम ही कौमी नफरत है। ये बात आप और हम जानते भी हैं और सोचते भी हैं। क्यों बनाते हैं हम इसे अपनी सोच? क्यों? जरा सोच कर देखिए। काश तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करते जितना तुम विजय हर्षवर्धन मलिक से करते हो। God, you're obsessed with the man. Obsessed नहीं, respect करता हूँ। और तुम्हें भी करनी चाहिए। Hello, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास किसी को रिस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। जानता हूँ, तुम्हें देश की प्रॉब्लम से ज्यादा फिल्मों के गॉसिप में इंटरेस्ट है। अरे, what's wrong? Gossip is at least entertaining. Okay, let's not start this again. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से विजय सर का चैनल ज्वाइन कर लूँगा। Oh God, not again. Give me a break, Purav. अच्छा, मैं निकलती हूँ. See you later. Have a good day. आज हॉले हॉले हेयर रिमूवर का एड शूट है. शाम को देर हो जाएगी. खाना बना लेना. और हाँ, अपनी फेवरेट करेले की सब्जी नहीं. Bye. Bye. 9 महीने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ. जवाबदार मंत्रियों ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने का वादा किया. और आज फिर बम ब्लास्ट हुआ. इतने हमलों के बाद भी हमारे सिस्टम ने अपनी गलतियों से क्या कुछ नहीं सीखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गलतियां आदत और मजबूरी में तब्दील हो गई हैं? अगर ऐसा है तो हमारी ये स्थिति आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है. That is just terrific. ज्यादा खतरनाक. Yeah, he is. मैं सोच कर देखिए. But our channel is not. What? डैड को लगता है मीडिया का फर्ज है जनता की सेवा करना. So, isn't he right? Yeah. लेकिन अगर डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो मरीज का क्या इलाज करेगा? क्या मतलब? हमारा चैनल एक सिक्योर यूनिट बन रहा है. यस, लाइमन कोला हमारे साथ डील रिन्यू नहीं करना चाहती. Our TRPs have fallen to an all-time low. वो जो नया शो हम शुरू करने वाले थे, Common Man, उसका क्या हो रहा है? Headlines 24 ने कल से एक नया शो लॉन्च किया है. शो का नाम है आम आदमी. सर, आप तो जानते हैं आजकल आइडियाज कम, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, और हर आदमी एक चलता फिरता स्पाई कैमरा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ सीक्रेट. और हो सकता है यही आइडिया उन्होंने ही भी सोचा हो. I don't know, these things are hard to tell. I'd like to take a look at this. Yes, in today's times, business usoolon pe nahi chalta. But Jay, media koi business nahi hai. You're missing the point. Jaise kapde sabun sab ek business hai na, waise news channel bhi ek business hai. Paisa lagta hai udhar, aur jahan paisa lagta hai वहां सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, पैसा बनाना. पर जय, तुम्हारे डैड को तो सब मानते हैं, फिर प्रॉब्लम कहां है? सब नहीं, सिर्फ तुम्हारे जैसे एजुकेटेड लोग. एंड दैट मेक्स नो डिफरेंस टू माय चैनल्स बिजनेस. और ये जो नंबर वन चैनल है ना, हेडलाइंस 24, उसे चलाने वाला ना ही डैड की तरह टेरिफिक है, ना ही उसकी कोई इज्जत करता है. फिर भी है ना रोलिंग टॉप पर. कौन? कुछ साल पहले तक हमारे अंडर एक मामूली नौकर था. अमरीश कक्कर. अब समझ में आया किन तरह के गधों को मैंने पाल रखा है अपने चैनल में. तुम लोग वो हेडलाइंस 24 में नहीं, इंडिया 24/7 में होना चाहिए विजय हर्षवर्धन मलिक के साथ. कितनी बार कहा है न्यूज को मसाला बनाकर बेचो. अब सुनो, इन बेंजियों को हटाओ, उनकी जगह खूबसूरत मॉडल्स ले आओ, उन्हें बीच पर ले जाओ, छोटे छोटे कपड़े पहनवाओ और फिर उनसे मौसम का हाल सुनवाओ. जिन्हें सुनना है वो सुनेंगे, जिन्हें देखना है वो देखेंगे. रिमेंबर, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग. प्रेजेंटेशन इज नॉट एवरीथिंग. खबर की सच्चाई को नाप कर उसे जनता तक पहुंचाना ही मीडिया का लक्ष्य होना चाहिए. हो सकता है हमारे उसूलों की वजह से अन्य चैनल्स के मुकाबले हम थोड़ा पीछे चल रहे हों, पर
ये कोई रेस नहीं है। खुद को परखना है तो खुद से पूछ करके हम में कितनी ईमानदारी है, कितना हुनर, कितनी निष्पक्षता है। इन्हीं सवालों के जवाब पर इंडिया 24/7 खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाय डैड। जो जरूरत प्राइम मिनिस्टर हुडा को कई महीनों से महसूस हो रही थी वो आज पूरी हो गई। What जरूरत डैड? हुडा कई दिनों से कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद के खिलाफ मौजूदा कानून से कई गुना ज्यादा ताकतवर एक लॉ की जरूरत है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर मोहन पांडे उनसे सहमत नहीं है। हालांकि आज की ओपिनियन पोल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कह रही है कि देश की जनता हुडा के साथ है। आपको क्या लगता है? मुझे विश्वास है हुडा पर। कई सालों के बाद देश को ऐसा नेता मिला है। आई लाइक हिम। Yes, I said I'll get back. तुम्हारे जीजू चाहते हैं कि इंडिया 24/7 पर उनकी कंपनी की तारीफ की जाए। I'll speak to him, Dad. आज सुबह प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा ने मुजफ्फरनगर जाकर वहां हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जगह का पूरा मुआयना किया। इस ब्लास्ट में मरने वाले बेकसूर लोगों और उनके परिवार वालों के दुर्भाग्य से भी बढ़कर दुर्भाग्य मेरा। समस्या का हल जानते हुए भी कुछ न कर पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आतंकवाद से लड़ने के लिए इस देश में एक सख्त एंटी टेरर एक्ट की जरूरत है। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अपनी इस नासमझी की सजा हम ऐसे ही पता नहीं कितने हमलों के रूप में अपने देशवासियों को देंगे। इस माहौल में ऐसे सख्त कदम की जरूरत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब पूरे देश को भी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इस बिल का कट्टर विरोध कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर मोहन पांडे। ढोंग है ये बिल, एक सरासर ढोंग है। बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा उठाकर पूरी सत्ता हथियाने का ये नया तरीका है हुडा जी का। भाई हुडा जी तो इस तैयारी में लग गए हैं कि कब इस बिल को वो पास कराएं और कब उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग शुरू कर दे। सच तो ये है कि हुडा जी इस देश में बने हुए डर के वातावरण का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इस देश को नए कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है सख्त से सख्त कदमों की। हुडा जी की इस हिटलर बनने की चाल का हम पूर जोर विरोध करेंगे। और इसके साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है मिस्टर मोहन पांडे को। चीयर्स। पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जनता का सारा सेंटीमेंट हुडा जी की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा इस समस्या से जूझकर कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। जनता का अटूट विश्वास और समर्थन उनके पास है। ये मीडिया की आजकल हुडा का बहुत धंधा बजा रही है। क्या लगता है क्या होगा? क्या नहीं होगा ये पूछिए नवीन जी। अगर हुडा का जादू ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और आप अपने चचेरे भाई को हटाकर एक नंबर के उद्योगपति नहीं बन पाएंगे। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या? मुझे लगता है मोहन पांडे बिल्कुल ठीक बोलता है। उड़ा तो बस देश का उल्लू बना रहा है। प्लीज नंदिता, तुम क्या जानते हो पांडे के बारे में और फॉर दैट मैटर हुडा के बारे में? आई डोंट बिलीव लोग बस बिना सोचे समझे तय कर लेते हैं कि कौन क्या है। दैट पांडे इज अ बास्टर्ड। Come on, Yapura, be fair. I mean, the guy's a popular leader. मेरे समझ में नहीं आता, ये लीडर है क्या? तुम्हारी तरह और मेरी तरह वो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है, कोई एहसान नहीं। और वैसे भी नंदिता, देश को एक सिस्टम चलाता है और तुम और हम उस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। I give up, Purab, I give up. मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती।
ओके बाय। रुको रुको रुको, तुम्हें ऑफिस में कंपनी देने के लिए तुम्हारा लंच। बाय, हैव अ गुड डे। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। अब गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। इन्हें अल्लाह राम का मोल नहीं, इन्हें अल्लाह राम का मोल नहीं, पब्लिक की लगती है। इन्या, 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 इन्या। जय, कंप्यूटर के जमाने में टाइपराइटर नहीं चलता। तुम्हारे डैड इस चैनल को मंदिर की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आजकल लोग मंदिर में बैठे उस भगवान से भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इट्स गेटिंग हां, आपसे मिलने पूरब शास्त्री आए। पूरब? हां हां, भेज दो सर। सो इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट एंड हाय पूरब, हाय, वेलकम टू इंडिया 24/7। थैंक यू जय, दिस इज पूरब, न्यू रिक्रूट। पूरब, दिस इज जय। हाय। सो व्हाट डू वी डू जय? Just send the papers. खुद चेक कर लूंगा मैं। Okay. Yeah. Come, Pura. Come. इंटरव्यू में तो तुमने बहुत फॉर्मल सा जवाब दिया। Now that you got the job, क्या मैं जान सकती हूँ असली जवाब क्या है? I mean, India 24/7 ही क्यों? जवाब वही है। I want to work for Vijay Harshvardhan Malik. बहुत बड़े फैन हो? उनके आर्टिकल्स पढ़कर, शोज देखकर बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ काफी और कुछ सीखोगे। Anyway, तुम्हारा वर्क टेस्ट रेडी है, द मिडिल टेस्ट पे है। या सी यू। थैंक्स मैम। मैम, डू आई लुक सो ओल्ड? नलिनी, कॉल मी नलिनी, ओके? एंड पूरा, द जेंटलमैन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड आनंद प्रकाश त्रिवेदी, हमारे स्पेशल शोज के क्रिएटिव एडिटर। किसी भी चीज के बारे में पूछना हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क हिम। या गुड लक। मुझे लड़के पसंद है, ऐसा लड़कियां नहीं, लड़के कह रहे हैं। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं उस चलन की जिसने रिश्तों की मर्यादा और उसकी परिभाषा ही बदल के रख दी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप जब आपका बेटा आपसे ये कहेगा, माँ मुझे लड़के पसंद हैं? जानने के लिए देखिए आज का हमारा स्पेशल, मुझे लड़के पसंद हैं। आनंद प्रकाश त्रिवेदी, लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना मत भूलना, नहीं तो आपकी सारी स्टोरी हम चुरा लेंगे। कितनी बार कहा है विजय सर को, कितनी बार, मुझे एक चांस दो, एक चांस अपनी सोच से काम करने के लिए। हेडलाइन 24 की छुट्टी कर दूंगा। सुना है लाइम एंड कोला ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया 24/7 को बहुत जल्दी बॉटल करना पड़ेगा। मेरी पीआर एजेंसी ने मुझसे बिना पूछे तुम्हारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट को फोन कर दिया। यू नो दे प्रिज्यूम्ड दैट इंडिया 24/7 तो मेरा अपना चैनल है। आई मीन इट। लिसन, आई नो योर डैड, आई वुड राइट टू इट। हाउ इज एवरीथिंग एल्स? एवरीथिंग एल्स इज गुड। यू नो जय, इट्स नॉट एग्जैक्टली इजी टू लिव विद योर सिस्टर। तुम्हारे जीजू के साथ रहना। एनीवे, हमारा ये सोप ऑपरा तो चलता ही रहेगा। तुम सुनाओ, हाउ इज यास्मिन? यास्मिन? यास्मिन ही नाम है ना उसका? एंड डोंट ट्राई टू लाई टू मी, आई हैव हर्ड अबाउट द टू ऑफ यू। एंड ये मत पूछो कहां से, आई हैव माय सोर्सेस। बाय द वे, आई होप तुम उसको लेकर सीरियस नहीं हो। व्हाई? She's Muslim, right? Mom को तुम जानते हो। प्रिया, I love Yash. कभी ना कभी तो मॉम को बताना ही पड़ेगा। मिलेंगी एक नई चटपटी स्टोरी के साथ सिर्फ इंडिया 24/7 पर। तुम यकीन नहीं करोगी कि त्रिवेदी कितना बड़ा जोकर है। I'm surprised ऐसा जर्नलिस्ट इंडिया 24/7 में काम कर रहा है। उफ़ पूरब, हर कंपनी में हर तरह के लोग काम करते हैं। Just chill. मुझे तो लगता है विजय सर को पता ही नहीं है त्रिवेदी अपने दिमाग में किस किस तरह की क्रिएटिविटी लेकर घूमता है। टॉकिंग ऑफ योर विजय सर, कैसा रहा हमारे लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल? ग्रेट। या व्हाट डिड आई एक्सपेक्ट? और बाकी कलीग्स? नलिनी कश्यप, शी इज द सीईओ। अच्छा,
A very nice lady. और विजय सर का बेटा भी था, जय मलिक. How was he? No. क्या हुआ? Not for me. I just turned Rajma. क्या? अचानक? क्यों भाई? अरे just like that. What do you mean? Just like that या किसी के कहने पर? मैं किसी की नहीं सुनता, you know that. So just chill. जो किसी की नहीं सुनता वो अपनी girlfriend की जरूर सुनता है, है ना? Girlfriend? तुम भी. She's just kidding. हेलो. हाँ खाना खा रहा हूँ, बोलो. Okay. I'll watch it. Thank you. Jay, do me a favor. Yeah. Can you put on Headlines 24, please? Please. Yeah. Thank you. आज की कलयुग में जहां आम आदमी से लेकर करोड़पति और अरबपति भी अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं, हमें देखने मिला है साक्षात दानवीर कर्ण का अवतार. उत्तराखंड में बाढ़ की महामारी से पीड़ित कई सैकड़ों लोगों का मसीहा बनकर आए हैं शंकलिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ नवीन शंकलिया. पापा, yep. मुफ्त में पार्टी जा रहे हैं लाइमन कोला. मुझे नहीं पता था आपके हेडलाइंस 24 में भी दोस्त है. Come on, Jay. These are just my PR guys. They're doing the job. You know how it is. Thank you. By the way, Dad, London से कुछ investors आए हुए हैं. And they have pots of money. और वो चाहते हैं कि television news industry में कुछ पैसे invest करें. Of course, I recommended India 24/7. जब मैंने उनसे कहा कि तुमसे मिलने हो. नवीन, एक न्यूज चैनल को किसी से भी कोई भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहिए. इसमें एहसान की क्या बात है डैड? दे माय फ्रेंड्स, दे ट्रस्ट माय वर्ड. वो मेरे लिए करेंगे. तुम्हारे लिए कोई कर रहा हो या तुम खुद कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? बिना फायदे के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता. रन ऑफ लंचेस. सॉरी. गौर से देखिए इस तस्वीर को. यह हादसा हुआ था कल जब फील्डिंग करते करते हमारी क्रिकेट टीम के उभरते सितारे हंसराज सिंह अचानक हो गए बेहोश. क्या वजह थी? जिन नौजवानों से सबसे ज्यादा तंदुरुस्त रहने की उम्मीद की जाती है वो भारत के लिए खेलते खेलते पस्त हो जाते हैं. क्यों लग रहा है भारत की शान को धब्बा? क्यों हो रही है नौजवान पीढ़ी बर्बाद? तो जानने के लिए देखिए हमारा आज का स्पेशल अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. कैसा लगा? त्रिवेदी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका कि मुझे ऐसे प्रेजेंटेशंस बिल्कुल पसंद. विजय सर ने मुझे देख तो नहीं लिया? यस सर. एनकाउंटर कॉप्स पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी. इंटेलिजेंट, इनसाइटफुल, ब्रिलियंट. यस. बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा, तुम किस्मत से ज्यादा विश्वास पर खड़े रहने वाले लगते हो. ओके, ऑल बेस्ट. जय, हर शो की एक अलग पहचान होती है. मुझे डर है इतना खींचने से इसका असर कम हो जाएगा. और मुझे डर है कहीं इंडिया 24/7 ही बंद ना हो जाए. अगर आज कदम नहीं उठाएंगे तो शायद कल इसका भी मौका नहीं मिलेगा. डैड, डैड मैं आपके उसूलों को जानता हूं, उन्हें ध्यान में रखकर ही सप्लानिंग की है मैंने. एंड डैड, सभी का मानना है कि दीज चेंजेस आर फैंटास्टिक फॉर इंडिया 24/7. फैंटास्टिक डैड. एंड डैड, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट हमें उसूलों के साथ साथ हमारे लिए काम करने वाले लोगों की सैलरीज का भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए ना डैड. ट्रस्ट मी डैड, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग. थोड़ा बदल रहे हैं बस, थोड़ा सा.
जय, मैं तुम्हारे चेंजेस से सहमत तो नहीं हूं, बट मैं समझता हूं कि हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सी, एज लॉन्ग एज इंडिया 24/7 के उसूलों को बिगाड़े बगैर हम नो वे डैड, नो वे, कोई उसूल तोड़ा नहीं जाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट। यू श्योर? सुपर श्योर डैड। मेरा मानना है कि हर शो की अपनी पहचान होती है, और जो आप कह रहे हैं वो करने से असर कम हो जाएगा। बात असर की नहीं, जरूरत की है। असर ही नहीं रहेगा तो जरूरत कैसे पूरी होगी? व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में हमने अगर हमारे एग्जिस्टिंग शोज के साथ खिलवाड़ किया तो जो करंट व्यूअरशिप है वो भी कम हो जाएगी। कितने दिन हुए तुम्हें इस इंडस्ट्री में आके? उससे क्या फर्क पड़ता है? इन सब चीजों को जानने समझने के लिए हमेशा तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। माना कि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं, मगर टीवी का दर्शक पुराना। You mean to say, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इधर। Is that what you're trying to say? नहीं, नहीं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, पर आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। Why don't you just shut up? ये मत भूलो कि तुम इस चैनल के एक एम्प्लॉय हो और हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तुम। मेरी असहमति को मेरी नमक खराबी मत समझो। मैं जानता हूं कि मैं इस चैनल का सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं। आप चाहे मेरी बात माने ना माने, इंडिया 24/7 की तरक्की मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। Joy is right. कुछ और भी है कहने को? बहुत कुछ, बट विल इट मेक अ डिफरेंस? नो, बिल्कुल हमारे नए शोज की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं और उनके शोज शुरू हो गए हैं। आओ! कैसे नलिनी? But can you switch off the music, please? Switch it off! कैसे नलिनी? Hockner, you mean किसी ने हमारी शोज की इनफॉरमेशन लीक कर दी? तुम तो जानते हो आजकल आइडियाज कम, कॉम्पिटिशन ज्यादा है। And everybody is a bloody walking, talking spy camera. It's impossible to keep a secret. और हो सकता है अमरीश कक्कर ने भी यही आइडिया सोचा। How, Nalini? How? I don't know, Jay. It's hard to tell. I thought I was in control, yes. I don't know what to say. It's all over.
चलो यार जय, चलो काम डाउन जय, चलो यार जय, एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ जय। क्या सपना यार, क्या सपना, मैं 30 करोड़ का लोन लिया है मैंने इन शोज के लिए मार्केट से। कौन से सपने से लिया हूं मैं, कौन से सपने से लिया? क्या कर रहे थे? थैंक यू ये पूरा बैंड वेरी प्रॉमिसिंग यंग मैन एंड आई एम नंदिता विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू ऑटोग्राफ प्लीज अरे मैं कोई हीरो थोड़ी ना हूं कि ऑटोग्राफ सर आप जानते नहीं आप कितने लोगों के हीरो हैं थैंक यू सो मच थैंक यू प्लीज कम ऑन पूरा इट्स नॉट द एंड ऑफ सॉरी एंड ट्रिप हे हैंडसम हेलो एंड यू मस्ट बी पूरा लेडी लव नंदिता Don't look so surprised. पूरब ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है. Officially तो मैं उसकी सीनियर हूँ, but we are best friends now, right? Yes. So we have a mutual admiration society here. Yeah, you can say that. Cheers to us. Cheers to that. Yeah. Yes, मेरे दोस्त हैं. Happy birthday, sir. Thank you. Yes, that's my mom. नमस्ते. क्या नाम बताया? जी. Yes. Short form में पूरा नाम पूछ रही हूँ. जी यशोदा यशोदा जी मॉम इज दैट एक्सक्यूज आई विल सी यू लेटर लेट्स बी बैक आप आनंद प्रकाश त्रिवेदी है ना पूरब आपकी बहुत तारीफ करता है ये तो गौरव का बड़प्पन है पूरब हाँ पूरब का है आप डायरेक्टर हैं ना असिस्टेंट डायरेक्टर कभी ना कभी तो डायरेक्टर बनोगी ना होपफुली जैसे मैं कभी ना कभी खुद का चैनल खोलूंगा तो एक बात बताओ हमारे चैनल का नाम क्या होगा पता नहीं आप नहीं, बोले ना 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 आप बताइए नहीं नहीं आप बताइए ना हमारे चैनल का नाम होगा पल में गरम पल में नरम एक बार बताओ हाँ हमारे शो का नाम क्या होगा क्या होगा क्या क्या होगा नहीं नहीं गेस करो नहीं आप ही बता दीजिए हमारा आज का स्पेशल देखिए सिर्फ देखिए सोचिए बस जानती हैं नंदिता जी हम और आप एक ही धंधे में वो कैसे फिल्में आप भी बनाती हैं और हम भी फर्क सिर्फ इतना है हमारी फिल्मों को हम न्यूज कहते हैं जय एक्सक्यूज मी भैया अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे यस माय सिस्टर हाय 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 आई एम प्रिया आई एम यास्मिन यास्मिन Nice to meet you, Yasmin. कौन है वो? अमरीश कक्कर. ये यहाँ क्या कर रहा है? मॉम ने बुलाया होगा. सब सबको बुलाया है. एक्स एम्प्लॉयज को भी. Let's go to the tent. Thank you so much for the invitations. अमरीश तुम तो जानते हो कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता ये सब इनका किया करा है वेल इन दैट केस सर थैंक यू फॉर द इनविटेशन मैन आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माय प्लेजर तुम्हारा चैनल कैसे चल रहा है सर की दुआ है आओ अमरीश थैंक यू सर Thank you.
थैंक यू थैंक यू. अलहमदुल्ला. विजय बाबू भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. शुक्रिया पांडे जी. प्लीज कम. बाबू जी आपने ये पार्टी रखकर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि विजय जी तो कभी किसी से मिलते ही नहीं और हम जैसे लोगों से तो कभी. आप जितना सोचते हैं हम उतने बुरे आदमी नहीं. कभी कभी बुढ़ा के अलावा हम पर भी कुछ भी भला बुरा कह दीजिए अपनी चैनल पे. क्यों नवीन जी. पांडे जी हैप्पी बर्थडे रिटायर. थैंक यू. पांडे जी हम आपके बारे में ना भला कह सकते हैं ना बुरा. मीडिया का काम पक्ष या विपक्ष में बोलना नहीं है. आप अलग हैं, मीडिया अलग है, जमीन आसमान का फर्क है. सच. खैर इस विषय पर फिर कभी बात करें. अमरीश कक्कर. यस लवली नेम. प्लेजर मीटिंग. यू नो समथिंग जय, इट्स अ गुड थिंग अच्छा हो गया तुम अमेरिका से वापस आ गए. चैनल को तुम्हारी जरूरत है. मलिक साहब की उम्र भी थोड़ी और आखिर बेटा कब काम आएगा. राइट. अच्छा टाइटल है बेटा कब काम आएगा. अपने चैनल पे एक शो स्टार्ट करना तो टीआरपी ज्यादा मिलेंगे. या थैंक्स फॉर द आइडिया इवन दो इट्स माइन. आखिर बेटा कब काम आएगा. और वैसे भी इंडिया F24/7 को तो टीआरपी की आदत है. व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप. ओह जय दिस इज नॉट हैपनिंग. यू नो लूजर्स पर ऐसा एटीट्यूड शोभा नहीं देता. तुम्हें संभल कर बात करना चाहिए वरना जिन लोगों से तुमने मार्केट में से पैसे उठाए ना मेरा एक फोन कॉल तुम और तुम्हारा चैनल दोनों सड़क पर आ जाएंगे. I love you too, man. Ma'am, pleasure meeting you. Are you okay? I'm fine. Yeah. Can you just give me a drink? Yes. Thanks. तुम अगर चाहो तो अमरीश कक्कड़ दोबारा तुमसे कभी ऐसे बात नहीं कर सकेगा. अगर तुम चाहो तो इंडिया 24/7 की टीआरपी इतनी बढ़ सकती है कि हेडलाइंस 24 का नाम और निशान तक बन जाएगा. इफ यू रियली वांट इट. अगर तुम चाहो तो तुम इंडिया 24/7 ही नहीं इंडिया का सारा मीडिया कंट्रोल कर सकते. कैसे कैसे मुजफ्फरनगर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जानते हो किसने करवाया. दिग्विजय उड़ा. देश के लोगों में डर बनाकर उसका फायदा उठाकर नया बिल पास कराने की साजिश है. लेकिन आपको कैसे पता पूरा नहीं करवाया. करवाया नहीं है जय. ऐसा लगना चाहिए कि करवाया है. मतलब द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. पहले टीवी न्यूज चैनल्स क्या दिखाया करते थे. जो हुआ है वो दे यूज्ड टू रिपोर्ट. बट नाउ दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों ने इतनी तरक्की कर ली है
that you can actually create news. And that's where you come in, Jay. के अनुसार देश गद्दारी है। कानून ऊपर से भगवान ने तो बना के नहीं भेजा है ना, इसी धरती पर बनाया गया है। आम आदमी को बड़ा आदमी बनने से रोकने के लिए मुझ जैसे खास आदमियों ने बनाया है कानून, और बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा है कि हम खुद इसका शिकार न बने। यू सी जय, हमारे पास 6 और चैनल्स हैं जो इस ऑफर के लिए कुछ भी देने को तैयार है, नहीं पांडे जी? सी 6 अदर चैनल्स, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इंडिया 24/7 भी हो। क्यों? देश के सबसे रेप्यूटेड नेता को, देश की सबसे रेप्यूटेड मीडिया पर्सनालिटी कोई टक्कर दे सकता है? यानी कि आपके डैड। जय, जब तक इस बात की असलियत की जांच पड़ताल होगी बहुत टाइम निकल जाएगा, बट इफ योर डैड, जो कि इस देश के सबसे क्लीन सबसे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट माने जाते हैं, जब वो इस बात का खुलासा करेंगे तो जनता का विश्वास हुड्डा पर से उठ जाएगा। जय, यू नीड टीआरपीस। बिसाइड्स, तुमने 30 करोड़ का लोन लिया हुआ मार्केट से, वो हम चुका देंगे। एंड दैट इज नॉट ऑल, पांडे जी इज प्रॉमिसिंग टू गिव यू अनदर 100 करोड़। सौदा वही होता है जिसमें दोनों का फायदा हो। तुम्हारी सारी मुश्किलें एक झटके में खत्म हो जाएंगी। जय, जरा सोच के देखो। और तुम्हारी बेवकूफी या तुम्हारा जमीर हमसे हाथ मिलाने से रोके तो साथ में अपनी जबान को भी रोक लेना, कोई तो वजह होगी कि हम मोहन पांडे हैं। चले गए थे? पता है मैंने कितनी बार फोन किया? एंड यू वर जस्ट नॉट पिकिंग अप। जय, जय, व्हाट्स रॉन्ग? जय, अतुल कुमार दुबे के साथ दिखा सके। अतुल कुमार दुबे? Who does write in that?
सारी इंडिया को पता है। अगर अतुल कुमार दुबे हुडा का आदमी है तो हमारे लिए क्यों? With a gun pointing on your head, तुम किसी से कुछ भी बुलवा सकते हो। Gun point? Let पांडे जी handle all that, okay? लेकिन जीजू, gun point पर हमेशा के लिए नहीं रख सकते ना। Of course not. लेकिन पांडे जी निकालेंगे ना कोई और तरीका? Family के लोगों को मारने की धमकी देके या पैसे की लालच देके या कोई और दबाव डाल के, whatever. See, तब तक हमारा काम हो जाएगा। Believe me, इन सब बातों में पांडे जी का आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा समझ है, ओके? ट्रस्ट मी, बिकॉज आई ट्रस्ट पांडे जी। लेकिन जीजू क्या है, सब सच लगेगा? Sometimes make me laugh. तुम मीडिया के आदमी हो यार, हाँ? तुम्हें मालूम है फिल्म कैसे बनती है? Just think that we're going to make a film, okay? A short film, a 5-minute short film. No masala, no naach, no gana. Straight to the point. Don't worry. मुजफ्फरनगर में हुए बम ब्लास्ट में अब्दुल नामक अपराधी पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार इंट्रोगेशन में अब्दुल ने खन्ना नामक व्यक्ति का नाम लिया। अब्दुल का कहना है कि खन्ना ने 50 लाख रुपए नगद पहुंचाए थे इस काम के लिए। पुलिस को इस वक्त खन्ना की तलाश है, लेकिन ये खन्ना है कौन? डैड, गेस व्हाट आई गॉट। ओडा साहब थोड़ा नर्वस दिख रहे थे, कह रहे थे 100 भी नहीं मरे। जिस मकसद से धमाका करवाया वो पूरा होगा भी नहीं, लेकिन चैनल वालों ने ऐसा हल्ला मचा है, काम हो गया। अब तो खुश है ना ओडा साहब? बहुत खुश है। क्या ये समझे? कह रहे थे हमारी तरफ से खन्ना साहब को 5। By the way, ये वही खन्ना है जिसके साथ पता चला था। Same guy. इसके साथ वो भी पहुंच जाएगा। Thank you दुबे साहब। ये सीढ़ी कहाँ से मिली थी? किसी ने भेजा डैड एड्रेस में? आई मीन We should air it right now, Dad. No. What? पूरा जैसे नेता पर इस तरह आरोप लगाना कोई? What are you talking, Dad? क्या बात कर रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है मामले सुड़ा ने करवाया। अरे अतुल कुमार दुबे जो खन्ना के साथ बैठ के बात कर रहा है, हुडा का खास आदमी, सब जानते हैं। Everybody knows that, including you. पर बिना कोई सबूत के how can you? What सबूत are you talking about, Dad? क्या सबूत की बात कर रहा है? कौन से सबूत की बात कर रहा है? ये मीडिया पीपल, Dad. और हमारा काम है जो सच हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस। ये सच है, Dad. ये सच है। And Dad, by the way, जिसने भी ये टेप हमें भेजी है, हो सकता है rather I'm sure that इस सच को उसने बाकी सारे चैनल्स को भी भेजा होगा। Dad, we are running out of time. Running out of time, Dad. Dad. ना मेरे लिए, ना खुद के लिए, ना इंडिया 24/7 के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों के लिए आपको एक खुलासा फरहान करना होगा, डैड। यू ओ दिस टू द कंट्री, डैड। यू ओ दिस टू द कंट्री। अपराध और आतंकवाद का सामना करने के लिए सरकार को असीमित सत्ता मिलने जा रही है। गर्व की बात है, यह आतंकवाद के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री ने कमर कस ली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ एक पर्दा था, एक धोखा, एक झूठ। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो है आतंकवाद, और आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय राजनीति का इंडिया 24/7 द्वारा प्रस्तुत एक सच। ओडा साहब थोड़ा नर्वस दिख रहे थे, कह रहे थे 100 भी नहीं मरे। जिस मकसद से धमाका करवाया वो पूरा होगा भी नहीं, लेकिन चैनल वालों ने ऐसा हल्ला मचाया, काम हो गया। अब तो खुश है ना ओडा साहब? बहुत खुश है। कह रहे थे हमारी तरफ से खन्ना साहब को 5 करोड़ रुपया और
दे दो, इसके साथ वो भी पहुंच जाएगा। थैंक यू दोस्त साहब, और मुन्ना साहब को कहिएगा अगर कुछ और काम हो करना तो जरूर याद करें। हम सब जानते हैं कि अतुल कुमार दुबे कौन है, संसद के सदस्य और दिग्विजय हुडा के सबसे पुराने और वफादार साथी। इसलिए अपने अजीज दोस्त हुडा के प्रति दुबे के मुंह से निकले हर उस लफ्ज पर हम और आप यकीन न करें तो और क्या करें। या टेप मुझे क्यों नहीं मिली? मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आई हैड नो क्लू। आज मैं आपसे सोचने की गुजारिश नहीं करूंगा, मुझे भरोसा है आपने सब कुछ देखा जाना और समझ भी लिया। आज ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाएंगे इस खुलासे के बाद राजनीति के घटनाक्रम का पर्दाफाश हो पूरा देश इस वक्त सकते में। मीडिया 24/7 द्वारा दिखाए गए खुलासे ने आम और खास जनता दोनों को हिला कर रख दिया है। दिग्विजय हुडा का नाम उन गिने चुने नेताओं में से था जिन्होंने भारत की राजनीति के पटल पर अपनी साफ सुथरी आदर्श राजनेता की छवि बनाई, मगर ये छवि आज टूटकर चकनाचूर हो गई है। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा की जो तस्वीर उभर कर आई है वो वाकई में भयानक है। विजय हर्षवर्धन मलिक और उनकी बेटी जय मलिक के नेतृत्व में किए गए इस ऑपरेशन से राजनीतिक जगत में हलचल। अभी अभी खबर मिली है कि पुलिस को संसद के सदस्य और दिग्विजय हुडा के खास दोस्त अतुल कुमार दुबे की लाश मिली है। दुबे का खून हो गया है। किसी खन्ना को नहीं जानता। आप ये स्वीकार करते हैं कि आप अतुल कुमार दुबे को जानते हैं? अतुल कुमार दुबे हमारे करीबी दोस्तों में थे। अतुल कुमार दुबे आपका दोस्त है? अतुल कुमार दुबे के दोस्त इसी हिसाब से जोड़कर देखा जाए तो दोस्त के दोस्त दोस्त नहीं हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड के लिए अगर मान भी लिया जाए कि अतुल कुमार दुबे खन्ना को जानते थे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम भी खन्ना से परिचय रखते थे। दिग्विजय हुडा ने सच का स्वीकार। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। अतुल कुमार दुबे हमारे करीबी दोस्तों में थे, करीबी दोस्तों में थे, करीबी दोस्तों में थे, करीबी दोस्तों में थे, करीबी दोस्तों में थे। हम भी खन्ना से परिचय रखते थे, हम भी खन्ना से परिचय रखते थे, हम भी खन्ना से परिचय रखते थे। अतुल कुमार दुबे खन्ना को जानते थे, अतुल कुमार दुबे उनके करीबी दोस्त थे। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा के स्टिंग ऑपरेशन के प्रमुख किरदार खन्ना लापता है। आज देश कटघरे में है और खन्ना कहाँ है? इस खुलासे के बाद राजनीति के भ्रष्ट रिश्तों का पर्दाफाश हो गया है। क्या वाकई में खन्ना लापता है या उसे लापता किया गया है? मशहूर फिल्मेकर बॉबी भट्ट ने इस पूरे कांड पर अपनी अगली फिल्म की घोषणा भी कर डाली। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि खन्ना कहाँ है? स्वागत है, खन्ना कौन है में इस साजिश के सबसे बड़े किरदार। खन्ना कहाँ है? बार बार दोहरा रहे हैं कि वो किसी खन्ना नाम के शख्स को नहीं जानते। विजय हर्षवर्धन मलिक के खुलासे के बाद दिग्विजय हुडा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देने पर मजबूर कर दिया है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जुर्म जितना संगीन होता है उसे छुपाने के तरीके भी उतने ही खतरनाक होते जाते हैं, और जब सरकार को बदल कर रख देने वाला इंसान ही गायब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अपराधी किस हद तक गया होगा। कहां है खन्ना? लेकिन ज्यादा जरूरी है यह पूछना कि कौन है खन्ना। दुबे और खन्ना दोनों का रहना हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसलिए पंडित जी ने दोनों को ही जय। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, शेर और बकरियां। शेर को राज करने के लिए बकरियों को बलि बनाना जरूरी है। शेर बनना है कि बकरी, ये फैसला अब तुम्हें करना है। लेकिन फैसला करने के बाद में बकरियों पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफी होगी।
ट्रेंकला तुम्हारे विजय सर को पहले तो कभी इतना खुश नहीं देखा पूरब क्या हुआ क्या हुआ खन्ना विजय सर की पार्टी में था कौन खन्ना वो डक आदमी आई सॉ एट द पार्टी हाउ कैन यू बी सो श्योर टीवी पर जब देखा तो मुझे लगा मैंने खन्ना को पहले कहीं देखा है फिर याद आया मैंने उसे विजय सर की पार्टी में देखा पूरब तुम पागल तो नहीं हो गए हो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो खन्ना उस पार्टी में था ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं विजय सर या उनकी फैमिली के किसी आदमी ने उसे वहां इन्वाइट किया होगा या फिर वो किसी गेस्ट के साथ वहां आया किसके साथ शायद मोहन पांडे पूरब मेरी बात सुनो तुम्हें सब में करमचंद बनने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज खन्ना को ढूंढ रही है उन्हें अपना काम करने दो यू जस्ट डू योर जॉब बट आई स्टिल लीव दिस जॉब पूरब तुमने सुना मैंने क्या कहा हुडा के जाने से सबसे ज्यादा फायदा मोहन पांडे के सिवा और किसको हो सकता है हम आतंकवादियों को देश के बाहर ढूंढ रहे हैं ये नहीं जानते कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमने जिसे अपने घर की हिफाजत और इस देश का भविष्य सौंपा उसी ने आज सच पूछिए आप सबके सामने यहाँ खड़े होते हुए हम शर्मा हमने कुछ नहीं किया हम कसूरवार नहीं है फिर भी सर झुक रहा क्योंकि हम भी नेता हैं और आज ये नेता शब्द हुडा जैसे देशद्रोहियों से जुड़ गया है आप सोच रहे होंगे कि हम आपके सामने वोट मांग रहे हैं हमें आपका वोट नहीं चाहिए मोहन पांडे को वोट नहीं चाहिए मोहन पांडे को राजनीति नहीं चाहिए नेतागिरी नहीं चाहिए ये कुर्सी भी नहीं चाहिए तो फिर इस मोहन पांडे को क्या चाहिए मोहन पांडे को चाहिए कि ये देश बूढ़ा जैसे भेड़ियों के हाथ से बच जाए आज इस देश को मोहन पांडे की जरूरत नहीं है मोहन पांडे को इस देश की जरूरत है ऐसे देश की जहां दिल में सुकून और होंठों पे सच्चाई मोहन पांडे को वोट सुबह शाम रात हर दस मिनट में स्पीच टेक का सुनी चाहिए राजनीति नहीं चाहिए नेतागिरी नहीं चाहिए ये कुर्सी भी नहीं चाहिए तो फिर इस मोहन पांडे ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया 24/7 मोहन पांडे का प्राइवेट पीआर चैनल बन गया हुडा के स्कैंडल के बाद पांडे जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है डैड लोग उसे देखना चाहते हैं पीपल वांट टू सी हिम एंड आई थिंक वी आर जस्ट शोइंग पीपल व्हाट दे वांट टू सी आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट डैड वैसे पांडे जी से हमें रेटिंग्स भी मिल रहे हैं And Dad, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है आई थिंक यू नो लोके डैड
See you then, Dad. Dad, एक और बात करनी थी आपसे. क्या आपके बर्थडे पार्टी में आपको एक लड़की से मिलवाया था मैंने. यस, यशोदा, रिमेम्बर? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. आई लव हर एंड शी इज अ मुस्लिम. शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं, दोनों परिवारों की भी हो जाती है. उसे सिर्फ जय के साथ नहीं, हमारे साथ भी रहना है. मैं अपने घर में किसी दूसरे. क्या जानती हो तुम उसके धर्म के बारे में? नहीं, यहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा. मैं क्यों पढ़ू? मेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि हमारे धर्म अलग है. क्या मैं जान सकता हूँ कि उसमें और हम में क्या अलग है? क्या मतलब क्या अलग है? हम मंदिर जाते हैं तो वो मस्जिद, हम दिवाली मनाते हैं और वो ईद. ईद मनाते हैं जैसे तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है और प्रिया को नहीं. तुम्हें दाल में तड़का कम पसंद है और नवीन को तो दाल ही पसंद नहीं. हम सब भी तो एक ही धर्म के हैं, फिर इतने अलग अलग क्यों? मुझे अपनी बातों में मत फंसाइए. बात बातों की नहीं है लता, बात समझ की है. हम अलग अलग लोग हैं, हमारे जीने का तरीका अपना अपना. हर तरीका एक धर्म होता है. नवीन अपने धर्म से, मैं अपने धर्म से, तुम अपने और यास्मीन अपने धर्म से जिंदगी जी रहे हैं. कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता लता, सब लोग होते हैं. तुम बस इस बात को समझ लो कि तुम एक मुसलमान से नफरत नहीं कर रहे हो, तुम जय के प्यार से नफरत कर रहे हो. नमस्ते मैम, मैं विजय हर्षवर्धन जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, साथ ही में एक बुक भी रिलीज हो रही है. आप ही की कंपनी ने उनका बर्थडे इवेंट मैनेज किया था. अगर उस पार्टी में जो गेस्ट इनवाइट किए गए थे उनके अगर मुझे डिटेल्स मिले तो. कोई जेल से इलेक्शन लड़ता है, कोई वोट खरीद के पड़ता है. लीडर उसी टाइम सच होता है जब उस लीडर को झूठा कहता है. पार्टी में चार खन्ना आए थे, लेकिन मैं वो खन्ना नहीं था जिसकी सबको तलाश है. इसका मतलब है पार्टी में खन्ना किसी गेस्ट के साथ आया था, या फिर हो सकता है उसका नाम खन्ना हो ही नहीं. ऐसे ऑपरेशन के लिए कोई अपना असली नाम यूज क्यों करेगा? पूरब तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो मोहन पांडे और उसके जैसे लोग कितने डेंजरस होते हैं. यूं खत्म कर देंगे तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा. जैसे जैसे वो खन्ना को गायब किया था तुम्हें भी गायब कर देंगे. प्लीज पूरब, अपने खातिर तो नहीं मेरे खातिर ये सब बंद करो. और ऊपर से इंडिया 24/7 जिस तरह उस दरिंदे पांडे की तारीफ कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा. हम बात नहीं कर रहे उस कर्ज की जो सुभाष घई और अब हिमेश रश्मिया की खासियत है. हम बात कर रहे हैं उस कर्ज की जिसमें डूबते जा रहे हैं आप और हम. दोस्तों गौर से देखिए अपने आसपास, क्योंकि हमारी साहूकार बन बैठी हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां और उनके मार्केटिंग के जाल में हम बन बैठे हैं कर्जदार. इतना ही नहीं, आजकल तो कई कंपनियां अपना कर्ज वसूलने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा भी लेने लगी हैं. कब कैसे कोई गुंडा AK-47 दिखाकर आपको मौत से परिचय करवा देगा पता ही नहीं चलेगा. देखते रहिए हमारा आज का स्पेशल लुट जाऊं लुट जाऊं. इस कर्ज में
त्रिवेदी में अगले कुछ महीनों में दो और चैनल्स खोलने का प्लान कर रहा हूँ। जी सर। और उन चैनल्स पर सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। जी। तुम्हारी तरह के एंटरटेनमेंट। नलिनी, पांडे जी इंडिया 24/7 के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहते हैं। ओके। सेंड पूरा। या श्योर। या। पांडे जी पिछले 30 सालों से आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति गंदा और गलत शब्द है। देश की सेवा, पब्लिक सर्वेंट। अगर चुनाव के नतीजे ठीक निकले तो आप देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में आप देश के लिए नया क्या करेंगे? ना पूरब। पूरब जी, सबसे पहले देश का जो रण है, जो रण लड़ रहा है, उसे जीतेंगे। कौन सा रण? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदी राजनीति के खिलाफ रण जीतेंगे। पांडे जी, ये बोल हम पहले भी सुन चुके हैं। हर पॉलिटिशियन, हर देश सेवक इलेक्शन के दौरान यही कहता है। हम आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। आतंकवाद, मैं कहता हूं कि आतंकवाद, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। कुछ नया सुनाइए। ये नया नया क्या कर रहे हैं आप? समस्या इतनी पुरानी, तो नया क्या करेंगे आप? समस्या पुरानी है पर हल तो नया हो सकता है ना पंडित जी। पंडित जी, आप क्रिमिनल्स के खिलाफ रण की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में आए हुए क्रिमिनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? खत्म कर देंगे उसे। अपने आप को भी? क्या? 1972 से लेकर आज तक 102 केसेस में आपका नाम उछाला गया है, जिनमें से 34 क्रिमिनल केसेस हैं, 25 लैंड डिस्प्यूट केसेस हैं और बाकी फ्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन। क्या कारण हो सकता है कि आप जैसे साफ सुथरे देश सेवक के खिलाफ इतने केसेस में उंगलियां उठी हैं? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? पूरब। पूरा नाम बताओ बेटे। पूरब शास्त्री। पूरब शास्त्री, यूपी के हो? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शास्त्री साहब, हमारी साइड के हैं आप। दिल्ली में कब से हो? इंटरव्यू आपका चल रहा है, मेरा नहीं। जो पूछा गया है उसका जवाब दो बेटे। 3 साल। 3 साल कॉलेज में था। राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं ये। आप जैसे नौजवानों की इस देश में कमी है। अब आ जाओ राजनीति में, अब आपकी मदद करेंगे। क्यों? इंटरव्यू अभी बाकी है। नमस्कार। इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था मैंने, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं। एम्प्लॉय हो, सिर्फ एम्प्लॉय बन के रहो एंड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करो तुम। नलिनी, वो पांडे जी का इंटरव्यू लेने किसी और को भेज दो तुम। एंड जस्ट डंप दिस मैन्स इंटरव्यू। कंसिडर दिस वार्निंग एज माय लास्ट, मिस्टर पूरब, लास्ट। तुम्हें सिर्फ समझना होगा दैट एट द एंड ऑफ द डे यू एंड आई आर जस्ट एम्प्लॉयज। हमसे क्या होने वाला है? खन्ना, खन्ना पिछले सर की पार्टी में था। व्हाट? हाँ, वही दिग्विजय उड़ा का खन्ना। वो विजय सर के पति पार्टी में घूम रहा था। अगर विजय सर ने टीवी पर खुद पूछा है कि खन्ना कौन है, तो फिर वही खन्ना उनके पार्टी में क्या कर रहा था? पूरब, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? थैंक गॉड। देखो पूरब, ये इश्यू बहुत सेंसिटिव है, ओके? मुझे बताए बिना किसी को भी मत बताना। काउंटडाउन जारी है और पूरा देश
इस वक्त ये निर्णय ले रहा है कि उसका भविष्य किन हाथों में सौंपा जाए। ओपिनियन पोल्स कहें या पॉपुलैरिटी ग्राफ, एक बात तय है कि प्रधानमंत्री पद के एकमात्र प्रबल दावेदार सिर्फ मोहन पांडे हैं। इंडिया 24/7 के संवाददाता आनंद प्रकाश त्रिवेदी ने की मोहन पांडे से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश त्रिवेदी और आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आज का हमारा स्पेशल जो जीता वही सिकंदर। पांडे जी, इंडिया 24/7 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। इस बात में अब कोई दो राय नहीं कि अब आप देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या बताएं अभी। बताइए बताइए जी, मेहनत का फल है, मिठाई लगेगा। कितना मीठा? बहुत मीठा। बहुत या फिर बहुत मीठा? ठीक है भैया, बहुत बहुत मीठा लगा। ये हुई ना बात। इंडिया 24/7 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोहन पांडे जी ने अभी अभी खुलासा किया कि अब जब वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ मीठा ही नहीं, बहुत मीठा भी नहीं, बल्कि बहुत बहुत मीठा लग रहा है। जाइएगा नहीं, अभी असली मिठास तो आना बाकी है, बहुत बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। पांडे जी, देश की जनता जानना चाहती है, प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, अब तो एक नहीं बहुत सारे काम करने हैं। नहीं, फिर भी सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या बताएं अब? बताइए ना। सबसे पहला काम? हाँ, सबसे पहला काम बताइए प्लीज। हाँ, हम गंगा में नहाएंगे। जैसा कि आपने सुना, इंडिया 24/7 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोहन पांडे जी ने अभी अभी कहा कि मैं गंगा स्नान करूंगा। जी हाँ दोस्तों, देश के अगले प्रधानमंत्री का खुलासा कि मैं गंगा स्नान करूंगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपनी कुर्सी से हिलिएगा भी मत, क्योंकि मोहन पांडे जी ने जो जीता वही सिकंदर में इंडिया 24/7 के जय मलिक की प्रशंसा में बोलने जा रहे हैं चंद शब्द। मुझे लग रहा है खन्ना का ताल्लुक सिर्फ पांडे से नहीं, जैसे भी है जय दो और चैनल्स खोल रहे हैं, और अंदर की खबर यह है कि पांडे पैसे लगा रहे हैं। उड़ा के जाने से पांडे को तो फायदा हो ही रहा है, पर बहुत बड़ा फायदा जय को भी। Thank you.
Can you tell him that I'll meet him at... Okay, just hold on a second, please. Jay, can I call you back, please? Did you wait? Jay, what is it? I got an SMS. SMS from who? Khanna. Kaun Khanna? Kya matlab kaun Khanna? Wahi. Khanna. That's not possible. Okay, hold on. Main Pandey ji se confirm karta hu. Listen, I'll have to call you back, okay? Yeah, ciao. हाँ बोलिए नवीन जी. पांडे जी, जय का फोन आया. वो बोल रहा है कि उसको खन्ना का मैसेज आया. कौन खन्ना? पांडे जी वही खन्ना भाई. वो कह रहा है अपने हाथों से मारा उसने. आई श्योर? पांडे जी आई श्योर? भाई श्योर हो? जिंदा तो नहीं बचा? जय, इट्स इम्पॉसिबल. तो फिर कौन हो सकता है वो? तो फिर कौन हो सकता है पांडे जी? अरे जय, कौन कौन खन्ना को जानता है ये मुझे क्या पता. Could be some other Khanna? मैं सिर्फ एक ही खन्ना को जानता हूँ. पांडे जी, जय सिर्फ एक ही खन्ना को जानता है. जैसे कहो, रिलैक्स करे. जय जय रिलैक्स. पर पांडे जी, रिलैक्स करो. ओके पांडे जी, जय जस्ट रिलैक्स. ओके Take care.
पूरब? हाँ मैं नलिनी, तुमसे कोई मिलना चाहता है। नलिनी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। बताया कि तुम मलिक साहब को अपना आदर्श मानते हो। मैं भी मानता था तुमसे साथ। कैमरा शुरू होते ही पूरे देश का मसीहा बन जाता। स्टूडियो में बैठकर ऐसे दिखाता है कि वो चैनल नहीं बल्कि एक सोशल सर्विस चला रहा। पूरा मेरी सोच कहती है कि हुडा बेकसूर है। ये किसी की ऐसी चाल है जिसे ना सिर्फ उसे बल्कि डूबते हुए इंडिया 24/7 को भी फायदा हो। इंडिया 24/7 वाज गोइंग बैंकक्रप्ट और अब देखो बाप बेटे दोनों मिलकर अवार्ड्स पे अवार्ड्स लिए जा रहे हैं और दो नए चैनल्स खोलने की बातें भी हो रही हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस झूठ के खिलाफ तुम अकेले नहीं हो। नलिनी ने बताया कि तुम खुद इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई भी सबूत मिले मेरे चैनल को तो मैं पर्दाफाश करूंगा। पूरब, सोच से सच को सिर्फ देखो मत, जहां जरूरत पड़े उसे बताया भी करो। ये देश तबाही में जीता है जो दिल स्वयं रक्त पीता है। लाचार ललकार है सारी गांवों को मिथ्या से सीता है। अंधकार और प्रकाश का डर है, प्रतिशत हर एक श्वास का डर है। सच का भटका रथ पथ से अवतार झूठ का जीता है। डर है, डर है, सत्य शाही का डर है। डर है, डर है, सत्य शाही का डर है। रण सच पे काली खली पड़ी इतिहास गढ़ को खून से हर एक तारी खली पड़ी अंकों की गणित में की लीन है जिन हाथों में बटवार है। डूबे तो डूबे दूध से धुला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सच सबके सामने लाना है तो तुम्हें किसी ना किसी चैनल की मदद लेनी ही पड़ेगी। और अगर इस सच में इंडिया 24/7 का झूठ शामिल हो तो इस वक्त अमरीश से बेहतर और कोई नहीं। जरा सोचो पूरब, यू डोंट हैव मच टाइम, गिव इट अ थॉट। एक आदमी था
देख लो, मैं कैसे पांडे जय और मलिक साहब की बचाता हूं। इतने सालों से जो मुखौटा पहन के घूम रहा था ना, उसे हमेशा के लिए उतार दूंगा। बस कल तुम मेरा शो देख लो, बस देखना कैसे सबका पजामा खोलता हूं। कितना चाहिए? 500 करोड़। लगता नहीं थोड़ा ज्यादा है? देश की कीमत आपको इतनी कम लगती है? इसकी कई कॉपीज मेरे चैनल के पास भी है, अगर मैं वापस नहीं आया तो सब कुछ आ जाएगा। I like you. I like you more. दिग्विजय हुडा का सच तो सामने आ गया है, लेकिन एक और सच था जो कभी सामने नहीं आया, वो था मोहन पांडे का सच। मोहन पांडे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हुडा के स्वार्थ और भ्रष्टाचार को बहुत पहले ही भांप लिया था, और इसका फल आज पांडे जी को मिला है इस चुनाव को जीतकर। सचमुच अगर कोई प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ मोहन पांडे। पांडे जी को हेडलाइंस की तरफ से अपनी इस विजय पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिलैक्स, बहुत सोचा मैंने, ये पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा? 10-12 दिन की टीआरपीज, हमारा चैनल फिर से नंबर वन चैनल हो जाएगा, राइट? ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, दैट्स व्हाट वी वांट। लेकिन 500 करोड़ के सामने वो क्या है? जोके ना, आई नो 500 करोड़, इट्स बहुत पैसे होते हैं 500 करोड़। मैंने तो मांग लिया मुंह खोलकर जो मुझे मांगना था, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन सोचो, ये पांडे मुझे इतने पैसे क्यों देगा? Why? You know why? क्योंकि एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी हजारों करोड़ों रुपए में जाता है। अब इसमें अगर सोचो कि देश का पीएम खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट मैच में कितना कमा सकता। और पांडे उसी बिल को पास करवाएगा। बेचारा हुडा तो सही में देश की सुरक्षा के लिए वो बिल पास करवाना चाह रहा था, लेकिन पांडे उसी बिल को पकड़ के इस देश का राजा बन जाएगा। इट्स अ फैंटास्टिक गेम यार, डोंट यू अंडरस्टैंड इट? और ये पांडे के दोस्त नवीन शंकली और जय मलिक, ये तो पूरी तैयारी में देश के पैसे लुटाने के लिए। पांडे के पीएम बनते ही नवीन शंकलिया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऐसे घुमाएगा कि फायदा उसे और सिर्फ उसे ही हो, और फिर उसका वो सपना अपने बड़े भाई को हटाकर खुद इंडिया का नंबर वन इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का पूरा हो जाएगा। और रही जय मलिक की बात, उसके बगैर तो ये पूरा ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। डू यू नो कि पांडे के लोगों ने दुबे को गन पॉइंट पे रखा और जय मलिक ने खुद खन्ना और दुबे को उस स्टेट में डायरेक्ट किया? कैन यू बिलीव इट? और तुम तो जानते हो कि अब जय ढेर सारे चैनल्स खोल रहे और वो सारे चैनल्स मोहन पांडे की भलाई करने में लग जाएंगे। Oh boy, you know, Purab, you're talented. You're young, you're talented, lekin
सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता पूरा, इट्स नॉट इनफ। टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल करना जानना चाहिए। यू शुड नो वेयर टू यूज इट, यानी कि कहीं भी कुछ भी नो, यू शुड यूज इट सेंसिबली। अगर तुम चाहो तो एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा बंगला हो सकता है, अगर तुम चाहो तो तुम ये बाइक वाइक छोड़कर गाड़ी में सफर कर सकते हो, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हो, बस तुम्हें फैसला है। That's it. It's all in your hands. Yeah, yeah. 500 करोड़ में से 10 करोड़ में तुम्हें दूंगा। वैसे भी ये 500 करोड़ तुम्हें तुम्हारी वजह से तो मिली है, और हाँ, अगर तुम्हें मेरी चैनल में नौकरी चाहिए, एनी नौकरी, कोई भी नौकरी, एनी सैलरी, फाइन विथ मी। आई नीड शार्प माइंड्स लाइक यू। और देश के लोगों का क्या? क्या? कौन से लोग? हाँ पूरब, कौन से लोग? वो लोग जो मजहब और जात पात जैसे फालतू इश्यूज के लिए एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए, वो लोग तो खुद अपने अपने घर और पैसे बनाने में जुटे हुए। तुम उन लोगों की चिंता कर रहे हो, उन लोगों की फिक्र कर रहे हो जिन्हें खुद किसी की नहीं पड़ी है, अपनी खुद की भी नहीं। तो फिर तुम उनका बुरा भला क्यों सोच रहे हो? Why should you care? जरा सोच के देखो। मैं आपके साथ हूं। अच्छा हुआ पूरब तुम समझ गए, नहीं तो मोहन पांडे से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता था। अरे लता, आप कब से इतने सद्दे संभलने लगे? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई बेटा है मेरा, बाप को भी अधिकार है प्रेजेंटेबल लगने का, और ये जो साड़ी आपने पहन रखी है इसे बदलिए, इसका कलर मेरी शेरवानी से मैच नहीं कर रहा है। हाय डैड, ये कोई वक्त है? परिवार के लोगों को मेहमानों से पहले पहुंचना चाहिए। यू नो व्हाट, नो नो नो, मुझे कोई वजह मत बताइए। एंड नवीन, कैन यू जस्ट लुक आफ्टर ऑल द डांसर्स इन द बैंड एंड एवरीथिंग? यार, हेलो ननली, आई हैव टू से दैट यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। Everything? Yeah, you. You okay? It's a bucket test. Hindi mein baat kijiye. Wo bulasta hai sir. Itna bada kyun laaye? Wo chhota mila nahi sir. Chhota mila hota to chhota le aata. Ji sir. Yani mere bete ki sagai mein aap ek chhota gulasta laaye. Nahi sir, wo main to isse bhi bada lane wala. To laaye kyun? जी मिला नहीं सर। मिला नहीं या लाना नहीं चाहते? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो जय सर की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरी नहीं, सच बोलिए, किसकी इज्जत ज्यादा कर, मेरी या जय की? सोडा ने नहीं, पांडे ने करवाया। What? अगर आप ये नहीं जानते तो हो सकता है आप ये भी नहीं जानते होंगे कि खन्ना हुडा का नहीं, आपके अपने बेटे जय का आदमी था।
और नवीन ने भी जय का साथ दिया। तुम किस किस पे इल्जाम लगा रहे हो? तो पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं सर, बेवकूफ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया 24/7 के इस सर्कस में पूरा देश बेवकूफ बनकर घूम रहा है। पिछले 10 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप ही से इंस्पायर होकर मैं जर्नलिस्ट बना। और आज ऐसा वक्त आ गया कि मैं आप पर शक करने लगा हूँ। पर क्या करूँ सर, जो सबूत मेरे हाथ लगा उसके बाद मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा आप भी इस बेईमानी में शामिल हो, या फिर आपने अपने बेटे जय पर यकीन कर लिया। बिना सही सबूत किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, आप ही से सिखाए सर, इसलिए मैं आपके लिए एक सबूत लेके आया हूँ। हो सकता है इसमें आपको ऐसा कुछ दिख जाए जो आपको पहले से नहीं पता, या हो सकता है इसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो आप पहले से नहीं जानते। अगर आप इसे कचरा समझकर फेंक देना चाहते तो फेंक दीजिए, जला देना चाहते तो जला दीजिए। मैं आज तक समझता था कि सच को सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता, मगर अब नहीं। इसलिए आपके किसी भी फैसले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना फैसला ले चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ सर। इसीलिए मैं इंडिया 24/7 ही नहीं, जर्नलिज्म भी छोड़ रहा हूँ। अच्छा मैं मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस ना मेरे लिए ना खुद के लिए। You owe this to the country, Dad. कांच के जैसे साफ सुसू, कांच के जैसे टूट गए, कांच के जैसे साफ सुसू,
बाबू, बधाई हो विजय बाबू, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी। आज अगर मोहन पांडे को देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ आपकी मेहरबानी। सच। अब देखिए ना, हम तो कह रहे थे कि थोड़ा पाखंडी है, लेकिन हमारी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, आपने भी नहीं। ये तो जय को सही वक्त पर सबूत मिल गए। वैसे विजय जी, हमने शपथ ग्रहण विधि के लिए उसी जगह को चुना है जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था, ताकि जनता को आश्वासन पहुंचे कि मोहन पांडे के शासन काल में वो सब नहीं होगा जो हुडा की सरकार ने होने दिया। आज पूरी देश की जनता हमारे साथ है, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरी जनता की भी यही इच्छा है कि विजय हर्षवर्धन मलिक खुद अपने शो पर मोहन पांडे जी का शपथ ग्रहण विधि प्रस्तुत। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये कर रहे हैं। वाकई मोहन पांडे में जादू है। मुझे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए मॉम, लेकिन डैड को मनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। एंड यू वेट एंड वॉच मॉम, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। ठीक कहा ना मैंने डैड, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। डैड, आई सी यू एट द ऑफिस, लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स टू डू, इट्स अ बिग डे फॉर मी। एंड या डैड, आई हैव वन मोर गुड न्यूज़। India 24/7 is shifting office. You got a bigger place. Badi jagah. Badi soch tan. See you, Mom. Bye. अगले महीने की 10 तारीख को शादी पक्की हो गई है, आज ही बात हुई। आपने सुना मैंने क्या कहा? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मोहन पांडे शपथ लेने पहुंच गए। द स्टेज इज ऑल सेट फॉर यू टू प्रेजेंट इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये भारत देश की दो आंख है, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। सिर्फ एक आंख से देखोगे तो अधूरा दिखेगा, और नफरत की आंख से देखोगे तो धुंधला। अगर इस देश का विकास करना है तो दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, और सिर्फ खुली नहीं, उसमें प्यार और भाईचारा भी होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस भारत देश की नई पहचान बनानी है मुझे, जो भ्रष्टाचार की कलम से नहीं, सच्चे और मजबूत इरादों से लिखी जाएगी। फाइव
5, 4, 3, 2, 1. Sir, we are on air. Sir, we are on air. मैंने हमेशा माना है कि टेलीविजन पे जो चेहरा आप देखते हैं वो चेहरा विश्वास का है, सच्चाई का है। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं ये बताने के लिए कि 21 नवंबर को मैंने आप सबसे एक बहुत ही गंदा झूठ कहा, एक ऐसा झूठ जिससे दिग्विजय हुडा की सरकार बर्खास्त हो गई। मैं जानता हूं कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती। अब अगर मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ दिखा सकता हूं, तो चंद तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखेगा मेरे अपने झूठ का सच। ये वही खन्ना है जिसके बारे में मैं बार बार पूछ रहा था, कौन है खन्ना, कहां है खन्ना। और अब देखिए खन्ना को मेरे ही बेटे जय मलिक के साथ। दुबे का आदमी था और ना ही दिग्विजय हुडा का। खन्ना था मेरे अपने बेटे जय मलिक का पुराना साथी। ये तस्वीरें तब खींची गई थी जब खन्ना और मेरा बेटा जय अमेरिका में साथ साथ पढ़ा करते थे। हमारा चैनल इंडिया 24/7 बार बार पूछ रहा था खन्ना कहां है, खन्ना कौन है, जबकि खन्ना मेरे अपने ही बेटे का पुराना दोस्त। मेरे अपने ही बेटे का पुराना दोस्त था। अब इस षड्यंत्र के कुछ और किरदार, कुछ और पहलू देखें। पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा हमें? 10-12 दिन की टीआरपीस, यस, हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन 500 करोड़ के सामने क्या है? मैंने तो मांग लिया मुंह खोलकर, जो मुझे मांग लो। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी बहुत सारे पैसे, हजारों करोड़ों रुपए में जाता है। नंदिता, अगर सोचो कि देश का पीएम खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट में। नंदिता जल्दी आओ। मैं मोहन पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, बनना चाहते थे इस देश के प्रधानमंत्री, नवीन शंकरलिया बनना चाहते थे इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति,
अमरीश कक्कड़ सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे थे और जय मलिक चाहते थे कि इंडिया 24/7 बने इस देश का नंबर वन न्यूज चैनल। ये थी इन खास किरदारों के स्वार्थ की कहानी। जय, अगर तुम इस वक्त मुझे देख रहे हो तो इतना जान लो कि तुमने देश को नहीं सिर्फ मुझे धोखा दिया है, देश को धोखा तो मैंने दिया है। इस पूरी साजिश में अगर कोई अपराधी है तो मैं हूं। ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ एक माध्यम की वजह से, एक माध्यम के दुरुपयोग की वजह से, और उस माध्यम का नाम है इंडिया 24/7। मेरा अपना चैनल इंडिया 24/7। जय ने जो किया वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत थी, उसने उसे जानते हुए किया और मैंने अनजाने में, लेकिन उसका कारण क्या था? एक सरकार होती है, फिर उद्योगपति जो देश में दौलत का उत्पादन करता है, फिर राजनेता कुछ रूलिंग पार्टी के और कुछ ऑपोजिशन के। इन सब का कर्तव्य बनता है इस देश के आम आदमी के लिए सिस्टम को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखना, ताकि हर कोई निर्भीक बिना रुके प्रगति कर सके। पर ये लोग अपना कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं, निभा भी रहे या नहीं, ये आम आदमी कैसे जान पाएगा? ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ। लेकिन जब सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। तो फिर जनता किस पर विश्वास करे? इन न्यूज चैनल्स पर जिसमें खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी के नाम पर सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है? एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों ने इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों बदल दिया है हमने अपना किरदार? कौन क्या खबर किस अंदाज में सबसे पहले बताएगा? इस होड़ में तमाम अखबार और न्यूज चैनल जुट गए हैं। यह होड़ सिर्फ खबरों के बाजार में बने रहने की नहीं है, बल्कि खुद को सबसे तेज, सबसे आगे साबित करने की। एक ऐसी रेस बन गई है जिसका लक्ष्य है कामयाबी बनाम पैसा। इस दौड़ में आगे रहने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा दर्शक, ऊंची टीआरपी जो तब्दील होती है ज्यादा एड रेवेन्यू में, और एड रेवेन्यू का मतलब है ज्यादा दौलत, ज्यादा दौलत। यहां लक्ष्य होना चाहिए था खबरें, और माध्यम होना चाहिए था पैसा। वहां आज पैसा बन गया है लक्ष्य और खबरें केवल माध्यम, और इसी जाल में आ गया मेरा बेटा जय। मुझे
मेरे बेटे और इस कहानी के बाकी किरदारों को सजा दिलाने से सिर्फ एक अध्याय खत्म हो जाएगा। समस्या नहीं, जब तक हम मीडिया जैसी श्रेष्ठ संस्था को सत्ता, लालच और पैसे से दूर नहीं रखेंगे, कई और जय पैदा होते रहेंगे। तमाम सिस्टम हम बनाते हैं, इसलिए हालात को बदलने की ताकत भी हम ही रखते हैं। मैं 30 साल से ये रण लड़ रहा हूं, जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया। लेकिन पुरब, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वो तुम हो जिसने आज पूरे देश को झकझोरा है, एक और गलत कदम को अंजाम बनने से रोका है। तुम ये बात समझ लो कि तुम हारे नहीं, जीत गए। और जो जीत तुमने आज हासिल की है उसे जारी रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज। इंडिया 24/7 से आप सबका क्षमा प्रार्थी मैं, विजय हर्षवर्धन मलिक, आप सबसे आखिरी बार इजाजत चाहता हूं। आखिरी बार इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। रही हूं टीनू को लेकर। डोंट एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। ये मीर चंदानी,
ये अभी भी हमारे देश का सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर है, राइट? उसे फोन करो. सुनो सुनो, हेलो, ही इज स्टिल द बेस्ट, राइट? मैंने इंडिया 24/7 छोड़ दिया है, बस कहने आई थी. ऑल द बेस्ट अमरीश. नया चैनल खुला है ना, सच्ची खबर, वहीं से ऑफर आया है, वहीं जा रहा हूँ. ऑल द बेस्ट. हेलो, हाँ कौन? यस सर. अभी आ रहा सर. मलिक के खुलासे को मोहन पांडे ने एक गंदे दिमाग की घिनौनी साजिश कहा है. पांडे ने अपने समर्थकों और देश की जनता से वादा किया है कि सभी आरोपों को झूठ साबित करके प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे. स्कैंडल में अहम भूमिका निभाने वाले नवीन शंखल्या भी आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार कर रहे हैं. हमारे चैनल को मिले कुछ डॉक्यूमेंट से पता चला है कि शंखल्या की कंपनी ने यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी WAG के साथ 937 करोड़ रुपए की डील कर डाली. जब नवीन ये जानते थे कि ऐसी डील के लिए देश की सरकार से स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें पहले से ही कैसे अंदाजा हो गया था मोहन पांडे PM बन जाएंगे और उन्हें ये लाइसेंस मिल जाएगा. बेकसूर लोगों की लाइन में हेडलाइंस 24 के अमरीश का कड़ भी खड़े हो चुके हैं. ये सब मुझे बदनाम करने की चाल है. एक तरफ तो अमरीश कह रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं लग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर श्याम मीरचंदानी को हायर कर लिया है. और अभी अभी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस को खन्ना की लाश मिल गई है. जी हाँ, ये वही खन्ना है जिसने अपने दोस्त जय मलिक के साथ मिलकर न सिर्फ विजय हर्षवर्धन मलिक को बल्कि पूरे देश को धोखा दिया. आमतौर पर तो देश का आक्रोश हार कर रह जाता है रेड टेपिज्म में उलझ कर, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत के इतिहास में रचे गए सबसे बड़े स्कैंडल के प्रमुख आरोपी मोहन पांडे, नवीन शंखल्या और अमरीश कक्कड़ का बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया 24/7 के उभरते सितारे जर्नलिस्ट पूर्व शास्त्री, जिन्हें विजय हर्षवर्धन मलिक ने अब इंडिया 24/7 की जिम्मेदारी सौंप दी है, इस रण का प्रथम अध्याय जीत चुके. रीत ये चली है, बुरी खबर फली है, रखा है झूठ ऊपर, हकीकतें दबी है. इंसान से पहले यहाँ सच की है मौत होती, खबरों में है वो ताकत, तलवार में ही ज्योति. गलती का मौत दंड है, दंड है.
शरण है, संकट में खुद शरण है।